Welcome, my name is Muzammil and today we are going to discuss about the flora and fauna of J&K UT. I have divided this topic into two lectures. In the first part, we will discuss about the flora and fauna of Jammu Division, and in the second part, we will discuss about the flora and fauna of Kashmir Division. First, we will discuss about flora, then fauna, then we will discuss about flora and fauna in natural parks and wildlife sanctuaries of Jammu Division. So, let's start. फर्स्ट फ्लोरा वर्ड है, ये लैटिन जुबान का वर्ड है जो एक्चुअली नाम था एज पर रोमन मैथोलॉजी। ये नाम था गॉडेस का, जो गॉडेस थी प्लांट्स फ्लावर्स और फर्टिलिटी की। और दूसरी टर्म है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन को कहा जाता है ग्रीन गोल्ड। ये नेचुरल टर्म है जो हम यूज कर लेते हैं डिस्क्राइब करने के लिए प्लांट लाइफ को, जिसपे किसी इंसान का असर ना हो, यानी कि इंसान के इन्फ्लुएंस में जो प्लांट्स या प्लांट लाइफ है उसके बगैर, जो खुद ब खुद प्लांट्स उगते हैं, ट्रीज उगते हैं, ग्रास, उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन है, ये एक ब्रॉड टर्म है कंपेयर टू फ्लोरा। फ्लोरा और नेचुरल वेजिटेशन को पहले 1849 तक अल्टरनेटिवली 1849 तक एक साथ यूज किया जाता था, इनमें कोई डिफरेंस नहीं दी जाती थी। लेकिन जो जूलियस थर्मन था 1849 में, उसने अलग किया फ्लोरा और नेचुरल वेजिटेशन को। उसने अलग से डिफाइन किया फ्लोरा कि ये हम क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर लेंगे, और नेचुरल वेजिटेशन जो है वो जनरल टर्म है, ब्रॉडर टर्म है पूरी वेजिटेशन के लिए। नेचुरल वेजिटेशन है, ये डिपेंड करती है किसी एरिया का क्लाइमेट क्या कैसा होगा, उसी हिसाब से वहां की नेचुरल वेजिटेशन होगी। फिजियोग्राफी क्या होगी, दैट इज फिजिकल जियोग्राफी, और एडिफिक कंडीशंस क्या होंगे, दैट इज सॉइल कंडीशंस कैसी होगी, सॉइल टाइप सी होगी वहां पे, किस किस्म की सॉइल होगी, उसी हिसाब से वहां पे नेचुरल वेजिटेशन या फ्लोरा वहां पे ग्रो कर लेगा। और उसके साथ साथ बायोटिक सेटिंग कैसी होगी, दैट इज बायोटिक मीन्स लिविंग बींग्स, हर तरीके के लिविंग बींग्स, जिसमें फ्लोरा भी आता है, फौना भी आता है, नेचुरल वेजिटेशन सारी आती है, इसको हम बोलते हैं क्या, बायोटिक कंपोनेंट। तो ये बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक सेटिंग वहां पे कैसी होगी, इंटरेक्शन कैसा होगा, उसी हिसाब से ग्रो करता है किसी एरिया का नेचुरल वेजिटेशन, फ्लोरा और फौना। और नेक्स्ट जो है वो ह्यूमन इंटरेक्शन कैसा होगा, नेचर के साथ ह्यूमन इंटरेक्शन कैसा होगा, इस पे भी डिपेंड करता है कि नेचुरल वेजिटेशन किसी एरिया की कैसी होगी। अगर ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन होगी तो ज्यादा असर पड़ेगा, अगर कम ह्यूमन पॉपुलेशन होगी तो एरिया पे कम असर पड़ेगा नेचुरल वेजिटेशन पे, तो एरिया की नेचुरल वेजिटेशन पे कम असर पड़ेगा। सो अब हम देखेंगे जो फॉरेस्ट टाइप्स है जम्मू में वो सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट है। सब ट्रॉपिकल जो है वो साउदर्न साइड्स में, जो शिवालिक्स है उस साइड में जो फॉरेस्ट्स है वो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स है, और जो पीर पंजाल रेंज के साइड में फॉरेस्ट्स है वो टेम्परेट फॉरेस्ट्स है। अब इन सब ट्रॉपिकल को और फर्दर दो हिस्सों में कुछ डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले को वो बोलते हैं ड्राई डेसिड्यूस, और दूसरा पाइन फॉरेस्ट्स। ड्राई डेसिड्यूस सब ट्रॉपिकल, ड्राई डेसिड्यूस और पाइन फॉरेस्ट्स। दूसरे जो ये है टेम्परेट, इनको भी ये दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट्स, दूसरा हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट्स। तो यहां पे हम पढ़ लेंगे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, टेम्परेट फॉरेस्ट्स एक साथ मिला के। और जो ये फॉरेस्ट कवर है जम्मू का वो 45% है। 45% जो पूरा जो एरिया है जम्मू का, उसका 45% बनता है 12,066 स्क्वायर किलोमीटर्स जो है वो जम्मू का एरिया जो है वो फॉरेस्ट्स के अंडर है। नेक्स्ट जो है फ्लोरा इन जम्मू रीजन। अब कौन कौन से ऐसे पेड़ उगते हैं, कौन कौन से ऐसे शर्ब्स ग्रास वगैरह उगता है जम्मू डिवीजन में।
सबसे पहले हम साउदर्न साइड में अगर हम देखेंगे तो वहां पे ड्राई सवाना और थिक अंडरग्रोथ होती है केन की, बुशेज और स्क्रब्स की। स्क्रब्स हम बोलते हैं जो वो झाड़ियां जैसे होती हैं, स्मॉल प्लांट्स, छोटे छोटे शर्ब्स वगैरह होते हैं, उसको उनको हम स्क्रब्स बोलते हैं। और जो वहां पे डोमिनेंट स्पीशीज है प्लांट्स की, उसमें टीक, साल, शीशम, पीपल, बनियान, कीकरबीर, मैंगो, पाम, बम्बू। ये पीपल है, उसका साइंटिफिक नाम है फीकस रिलिजोसा। इसमें जो मोस्ट ऑफ द ट्रीज है ये क्या है, डिसिड्यूस ट्रीज है। डिसिड्यूस ट्रीज कौन सी होती है, वो ट्रीज जो अपनी लीव्स को शेड करती है, यानी कि लीव्स गिरा देते हैं कुछ सीजन्स में, साल के कुछ वक्त पे ऐसे कोई सीजन ऐसा आता है जिसमें इस लीव्स जो है वो गिरा देते हैं, उन ट्रीज को हम बोलते हैं डिसिड्यूस ट्रीज। इनमें से मोस्ट ऑफ द ट्रीज जो है वो डिसिड्यूस है। और ये जो ट्रीज है ये जनवरी से लेके मार्च तक, गर्मियां शुरू होने से पहले पहले ही अपनी ट्रीज को शेड कर देते हैं। और इस साइड में और कौन सी स्पीशीज है फ्लोरा की, उसमें टोन, सिल्वर पाइन, महोवा, खैर जिसको एकाशिया कैथ्यू कहा जाता है, उसके साथ साथ वहां पे टाल ग्रास जो है वो ग्रो करता है जिसको खर बोलते हैं, कंडी एरिया में, जो हमने पहले पढ़ा था ना जियोग्राफी के पहले वीडियो में, वहां पे हमने पढ़ा था कंडी एरिया कौन है, और उस कंडी एरिया में जो टाल ग्रास ग्रो करता है उसे खर वहां पे बोला जाता है लोकल जुबान में। नेक्स्ट जो है वहां पे चिर जो है ये मोस्ट वैल्यूबल ट्री है, मोस्ट वैल्यूबल ट्री, क्योंकि इसकी जो टिम्बर है वो काफी ज्यादा वैल्यूबल होती है, और उसके साथ साथ इसमें जो है वो रिजन भी निकलता है इससे। ये चीर जो है ये पाया जाता है रामबन, उधमपुर, रियासी और जम्मू सिटी के आसपास जो फॉरेस्ट है उनमें, वहां पे चीर ट्री पाया जाता है जिससे रिजन और टिम्बर हम हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है फौना, जम्मू डिवीजन का फौना। फौना क्या होता है, एनिमल लाइफ, किसी पर्टिकुलर रीजन में एनिमल लाइफ कौन सी प्रेजेंट है, किसी पर्टिकुलर रीजन में कौन सी एनिमल लाइफ प्रेजेंट है, या किसी पर्टिकुलर टाइम में कौन सी एनिमल लाइफ है, उसे हम बोलते हैं उस रीजन का फौना। अब अगर हम देखें जम्मू डिवीजन में जो मैमल्स प्रेजेंट है उसमें क्या है, ब्लैक बियर, इसको मैंने यहीं पे कैटेगराइज किया है, ब्लैक बियर जो है वो वल्नरेबल है। ये IUCN रेड डेटा बुक के मुताबिक ब्लैक बियर जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा है हिमालयन थर। हिमालयन थर जो है वो नियर थ्रेटनेड कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है ब्राउन बियर, सिरो, मस्क डियर, इबिक्स, गोल्डन ईगल, वेस्टर्न, टियागोपन, चीर, पीजेंट, स्नो लीपर्ड, ये सारे एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट उठाओ और कुछ दिनों के लिए इस वॉल पेपर पे रखो तो बार बार नजर पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है मारखोर। मारखोर जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है। डेटा बुक के मुताबिक जो मारखोर है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ जाता है। ये जम्मू डिवीजन में एक ही ऐसा स्पीशीज है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है। कश्मीर में दो है, कश्मीर में दूसरा जो है वो हांगुल है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाता है। बाकी उसके अलावा जो यहाँ पे फौना पाया जाता है उसमें स्पॉटेड डियर है, बार्किंग डियर है, उसके बाद चीता, लंगूर, वाइल्ड बुल, बंगाल मंकी, बियर मार्मोट, वाटर श्रिव, मस्क रैट, ब्लैक बियर, गोरल, कॉमन लीपर, ये सारे जो है फौना में आते हैं। अब जो बर्ड्स पाए जाते हैं जम्मू रीजन में उसमें क्या है, वुल्चर्स, कीकला, चकोर, पीकॉक, कुकूज, पिजन्स, कुकू पिजन, स्नो पैटरिज, वुड पीकर, वूल ओवल, फॉल्कन, फॉल्कन्स, सैंड गूज, ब्लैक पैटरिज, ब्लू रॉक पिजन, ग्रीन पिजन, ग्रे पैटरिज, जंगल फ्लो, रूफस, टर्टल डो एट्सेट्रा। इनको भी थोड़ा सा अगर आप दो चार बार ऐसे ही देखोगे तो दिमाग में रह जाती है इमेज कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। और जम्मू में रेप्टाइल जो पाए जाते हैं उसमें स्नेक्स, फ्रॉग्स और लिजर्ड्स है, क्योंकि जम्मू जो है वो सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है, क्लाइमेट जो है वो थोड़ा सा
यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है, इस वजह से स्नेक्स और लिजर्ड्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये रेप्टाइल्स जो है वो गर्म एरिया में ही पाए जाते हैं। कश्मीर चूंकि टेम्परेचर डाउन होता है कश्मीर में, इस वजह से स्नेक्स और लिजर्ड्स बहुत कम पाए जाते हैं यहाँ पे, ना होने के बराबर। नेक्स्ट जो है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ जम्मू। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये नेशनल पार्क एक और 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो जम्मू में पाई जाती है। अगर कोई ट्रिक बन सके तो बना लो। अगर मैं कहूँ तो ऐसे किश्तवाड़ की एक लड़की थी जिसका नाम नन्नी था, वो त्रिकुटा हिल्स से सीधे छलांग मारना चाहती थी सुरेंसर मानसर पे। त्रिकुटा हिल्स से सीधे छलांग मारनी थी मारना चाहती थी सुरेंसर मानसर तक, लेकिन उसका बाप जो था उसका नाम था रामू, और रामू जो था वो बेचारा जस रो रहा था। आई होप इस तरीके से थोड़ा सा कुछ ट्रिक वगैरह बना लो तो याद हो जाएगा। अगर मैं फिर से इसको रिपीट कर लूँ, किश्तवाड़ की एक लड़की थी जिसका नाम नंदनी था, वो त्रिकुटा हिल से सीधे सुरेंसर मानसर पे छलांग मारना चाहती थी, लेकिन उसका जो बाप था रामू वो बेचारा जस रो रहा था। हम एक एक करके देखेंगे कि इन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कौन कौन सा फ्लोरा और फाना पाया जाता है। सबसे पहले किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है उसको बनाया ही गया था स्नो लीपार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो किश्तवाड़ में स्नो लीपार्ड पाया जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस किश्तवाड़ नेशनल पार्क को बनाया गया था। और बाकी जो इसमें मैमल्स पाए जाते हैं उसमें हिमालयन थर, पिक्स, लीपर्ड, पार्कोर, मस्क डियर, हिमालयन ब्लैक बियर अंगूर, हिमालयन ब्राउन बियर और हिमालयन स्नोकॉक, ये सारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये लोकेट है कहाँ पे, जम्मू सिटी में। किश्तवाड़ को मैंने लोकेशन नहीं बताई थी क्योंकि नाम ही बताता है वो कहाँ पे है। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसमें जो फ्लोरा है वो शीशम, अमलतास, कैचनार, बम्बू, पालास और पीपल। नेक्स्ट जो है फौना की अगर हम बात कर ले तो बार्किंग डियर, बैबलर्स, चीकड़, बुलबुल, ये अलग से है, बैबलर्स, चीकड़, बुलबुल, जैकल, लीपॉड, नीलगाय, पी फाउल, पैडरिज और स्पॉटेड डियर, ये इम्पॉर्टेंट फौना जो है जो वहां पे पाए जाते हैं यूजुअली बर्ड्स। नेक्स्ट जो है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कुठवा में है और ये राइट बैंक ऑफ उज रिवर है उस पे ये लोकेटेड है। और यहाँ का जो इम्पोर्टेंट फ्लोरा है वो बम्बू है। आई थिंक ये 4th क्लास जो पेपर आया था उसमें एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसमें बम्बू ज्यादा पाया जाता है, तो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे फौना है वो स्पॉटेड डियर है। सुरेंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सुरेंसर मानसर जो है उसकी जो लोकेशन है वो उधमपुर, सांबा और जम्मू तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई है, तो यूजुअली जम्मू लिखते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे जम्मू को टेक देना है, लेकिन ऐसे ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ी थोड़ी सी है, वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ये जो है ये दो लेक सुरेंसर और मानसर जो लेक्स है जम्मू से कुछ 42 किलोमीटर्स दूर, इन दो लेक्स के बीच में जो है वो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सुरेंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सुरेंसर और मानसर लेक्स के बीच में। ये जम्मू में इकलौती ऐसी जगह है जिसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। अविफोना जो पाया जाता है यानी कि बर्ड्स जो पाए जाते हैं, दैट इज ब्लैक पैटरिज, ब्लू रॉक पिजन, ब्लू रॉक पिजन, ग्रीन पिजन, ग्रे पैटरिज, रेड जंगल फाउल एंड रूफस टर्टल डाउ, ज्यादा बर्ड्स ही पाए जाते हैं वहां पे, तो ये इंपॉर्टेंट बर्ड्स है जो वहां सुरेंसर मानसर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है। वहां पे जो इंपॉर्टेंट फौना है उसमें गोरल, ग्रे लंगूर, मंकी, वाइल्ड बोर, रिसोस मंकी। उसके बाद वहां पे जो बर्ड्स पाए जाते हैं उनमें मीना, पी फाउल, चकर ब्लू रॉक पिजन, चीर पीजेंट्स, रेड जंगल फाउल,
ये फेमस है पीजेंट्स के लिए. दैट्स ऑल अबाउट फ्लोरा एंड फौना इन जम्मू डिवीजन. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फ्लोरा एंड फौना ऑफ कश्मीर डिवीजन. थैंक यू, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट.